Income layer trade off the competing substitution and income effects. So, we will talk about the relationship between real wage and the labor supply. By real wage, we mean the amount of real income a worker receives in exchange for working an hour or a day. So, real wage is the most important determinant of labor supply the effect of real wage on labor supply can be decomposed with the help of substitution effect and the income effect by substitution effect we mean that when a real wage increases it encourages मोर वर्क सो दिस विल रिज़ल्ट इन लेस लेयर इस बात को इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि रियल वेज जो है दिस इज़ इनफेक्ट द प्राइस ऑफ लेयर क्योंकि जब हम एक घंटा लेयर पोरगो करते हैं और उसके बदले में काम करते हैं तो हमें वेज मिलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक घंटा लेयर फुर्सत जब हम इंजॉय करते हैं तो उसकी हम कीमत क्या पे करते हैं कि हम उस एक घंटे में चूँकि काम नहीं कर रहे होते और उस काम ना करने की वजह से हम वो वेज को पुरगो कर रहे होते हैं सो इस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि जब वेज इंक्रीज होती है तो इसका मतलब ये है कि लेयर की फुर्सत की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो हम जानते हैं इकनॉमिक्स में कि जो भी शेय महंगी होती है लोग उसके इस्तेमाल कम कर देते हैं और सस्ती को बढ़ा देते हैं तो जब वेज बढ़ेगी तो लेयर क्योंकि एक्सपेंसिव होगी है तो इसलिए लेयर का इस्तेमाल कम हो जाएगा और उसके बदले में काम ज़्यादा हो जाएगा तो इसे हम कहते हैं सब्सिट्यूशन इफेक्ट कि इंडिविजुअल जो है वो सब्सटीट्यूट कर रहा है वर्क को लेयर के लिए वर्क इंक्रीज़ कर रहा है और लेयर कम कर रहा है सेकंड इज़ इनकम इफेक्ट इनकम इफेक्ट से मुराद ये है कि जब भी रियल वेज इंक्रीज़ करेगी तो नाउ द इंडिविजुअल कैन हैव मोर इनकम विद द सेम अमाउंट ऑफ वर्क ठीक है पहले सपोज वो दस घंटे काम करके जो अर्न कर रहा था तो रियल वेज के इंक्रीज होने से अब वो उतना ही काम करके ज़्यादा अर्न कर सकेगा और जब वो ज़्यादा अर्न करेगा तो वो ज़्यादा लेयर को अफोर्ड कर सकता है और ज़्यादा कंजम्पन को अफोर्ड कर सकता है हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेयर और कंजम्पशन दोनों नॉर्मल गुड्स हैं आप जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में नॉर्मल गुड्स से मुराद हमारी ये होती है कि वो चीज़ें जिन पर इनकम इफ़ेक्ट पॉजिटिव होता है यानी इनकम के बढ़ने से उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है और इनकम के कम होने से उनका इस्तेमाल कम हो जाता है तो इस सेंस में हम इस बात को इस तरह से ले सकते हैं कि जब रियल वेज बढ़ेगी तो सबस्टेशन इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा फुर्सत एक्सपेंसिव हो जाएगी और एक्सपेंसिव होने की वजह से उसका इस्तेमाल कम हो जाएगा उसके इस्तेमाल कम होने का मतलब यह है कि आदमी काम ज़्यादा करेगा तो सब्सिशन इफेक्ट की वजह से लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी रियल वेज इंक्रीज जब करती है और दूसरी तरफ इनकम इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि वेज के बढ़ने से इनकम बढ़ गई है और फुर्सत चूँकि एक नॉर्मल गुड है और फुर्सत का इस्तेमाल अब बहुत ज़्यादा करेगा तो इसका मतलब ये है कि अब वो काम कम करेगा तो इससे आप ये बात समझ सकेंगे कि रे रियल वेज के इंक्रीज़ होने से एक दो तरह के जो अपोज़िट इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं सब्सट्रिशन इफेक्ट की वजह से वर्क बढ़ रहा है और इनकम इफ़ेक्ट की वजह से वर्क कम हो रहा है राइट right? सो so, ये दो अपोजिंग और कंपीटिंग इफेक्ट्स हैं रियल वेज के इंक्रीज होने के सो so, इन दोनों को समझने के लिए पहले हम दोनों को अलग अलग समझते हैं कि एक प्योर सब्सिशन इफेक्ट क्या है और एक प्योर इनकम इफेक्ट क्या है और फिर बाद में हम देखेंगे दोनों को मिलाकर कि वो किस तरह से फिर एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और उसका फिर नेट रिज़ल्ट क्या निकलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल प्योर सब्स्रेशन इफेक्ट के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सपोज के वेज में जो इंक्रीज हो रही है इट इज़ वेरी टेम्पोरेरी सिर्फ वन डे इंक्रीज हो रही है सो इस वन डे का इंक्रीज का इंपैक्ट क्या होगा इस वनडे इंक्रीज़ का इंपैक्ट ये होगा कि उस ख़ास दिन में जिस दिन वेज पड़ी है उस दिन अब लेयर और वर्क का जो ट्रेड ऑफ है वो उससे अफेक्ट होगा कि उस दिन अब लेयर बहुत महंगी हो जाएगी ठीक है क्योंकि उस दिन काम करने के लिए ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इसलिए लोग लेयर को कम कर देंगे और उस दिन काम ज़्यादा करेंगे लेकिन इसका इनकम इफ़ेक्ट बहुत नेगलिजिबल होगा इसलिए कि एक दिन वेज बढ़ने से उसकी लाइफ टाइम जो वेल्थ है लाइफ टाइम जो उसकी इनकम है उस पर कोई ख़ास असर नहीं होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि वन डे इंक्रीज इन द रियल वेज इज़ केस ऑफ प्योर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इसी तरह से प्योर इनकम इफ़ेक्ट को समझने के लिए सपोज़ हम ये एग्जांपल लेते हैं कि एक शख्स की लॉटरी निकल आती है तो लॉटरी निकलने से क्या होगा उसकी डेफिनेटली इनकम उसकी वेल्थ बढ़ जाएगी लाइफ टाइम वेल्थ बढ़ जाएगी और लाइफ टाइम वेल्थ बढ़ने की वजह से वो अब वेल्दियर फील करेगा लेकिन उसका इनकम इफैक्ट तो होगा अब वो ज़्यादा लेयर अफोर्ड कर सकता है तो इसलिए काम कम कर देगा लेकिन उसका सब्सटिट्यूशन इफेक्ट ज़ीरो होगा क्योंकि जब उसकी लॉटरी निकली है तो इनफैक्ट उसके जो ट्रेड ऑफ था बिटवीन लेयर एंड वर्क उस पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा यानी उस दिन अगर वो एक घंटा लेयर कम या ज़्यादा करना चाहता है तो उस पर उस लॉटरी के निकलने का कोई उस पर असर नहीं होगा तो इस इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से प्योर इनकम इफ़ेक्ट है इसका सब्स्रिप्शन इफेक्ट ज़ीरो होगा इसी तरह एक और एग्जांपल है कि अगर लोग फ्यूचर के बारे में किसी तरह से ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं कि उनके फ्यूचर की एक जो वेज है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बढ़ जाएगी तो ये भी उसको सबसक्रिप्शन इफेक्ट नहीं कॉस करेगी क्योंकि सब्सक्रप्शन इफेक्ट तो कॉस होगा अगर वो आज समझते हैं कि आज एक घंटा लेयर कम यूज़ करने चाहिए या ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि उसकी कॉस्ट बदल गई है तो ये तो इसका ताल्लुक तो फ्यूचर के साथ है इसलिए ये भी एक एग्जांपल है जिसमें सब्सक्रप्शन इफेक्ट ज़ीरो है और इनकम इफेक्ट इसमें मौजूद है सो so, इससे हम इन दोनों चीज़ों को अलग अलग समझने में मदद मिली और नेक्स्ट मॉड्यूल में हम इन दोनों को इकट्ठा समझेंगे कि ये किस तरह से एक दूसरे को कम्पीट करते हैं थैंक यू